हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और हम जो उत्तराखंड की सीरीज़ स्टार्ट हम कंटिन्यू कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और हमने अब तक कुंभ मेले तक पढ़ लिया था हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। आज हम उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस में देख लेते हैं कुंभ मेले की क्या रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। तो ये जो फेस्टिवल है रिलीजियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदूज़ के लिए। हर कुंभ के जब भी ओकेजन होता है हर 12 साल में तो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। हरिद्वार को बहुत ज़्यादा होली माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं वैसे भी, क्योंकि जब गंगा रिवर पहाड़ों से प्लेन्स में उतरती है तो वो यहीं पे यानी कि हरिद्वार में ही सबसे पहले आती है। ये फेस्टिवल जो है बहुत ज़्यादा जो साधु संत हैं वे लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे जो एक फेमस हैं यहाँ पे नागा साधुज हैं जो यहाँ पे फेमस होते हैं, और ये वो साधुज होते हैं जो कभी कोई कपड़े नहीं पहनते, दे डोंट वियर एनी क्लोथ एंड आर स्मियर्ड इन ऐश, यानी कि अपनी बॉडी को पूरा राख में ढक कर रखते हैं, यानी कि पूरी राख से अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं। इनके बहुत लंबे लंबे बाल हो जाते हैं, लॉन्ग मैटेड हेयर्स एंड आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। चाहे कितनी भी सर्दी हो चाहे कितनी भी गर्मी हो इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये जो है कभी कपड़े नहीं पहनते। लेकिन देन देर आर उर्धवर्स, तो अब अलग अलग तरह के कुछ सेंट्स होते हैं जो अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो लाइक जैसे उर्धवर्स हैं, ये कौन है, ये वो हैं जो अपनी बॉडी को सीवियर ऑस्टेरिटीज़ में रखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कमियों में रखते हैं या बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं परिवाजक्स, ये कौन होते हैं, जिन्होंने एक वाव लिया हुआ होता है साइलेंस का, यानी कि वो कभी वो बोलेंगे नहीं, मुँह से कुछ नहीं उच्चारण नहीं करेंगे। एंड अगर उनको जब भी वो जा रहे होते हैं और सामने कोई फॉर एग्जाम्पल सामने कोई पर्सन है और उसको हटाना है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग टू हिम, उसको कहने के बजाय क्या करते हैं, बेल बजाते हैं जिससे कि सामने वाले को पता चल जाए कि कोई पीछे से आ रहा है या सामने से आ रहा है, उसको हटना है। नेक्स्ट इज शीर्षासिंस, तो जो शीर्षासिंस हैं वो क्या करते हैं, वो 24 घंटे खड़े रहते हैं एंड मेडिएट फॉर आवर्स स्टैंडिंग ऑन देयर हेड्स। तो शीर्षासिंस 24 घंटे खड़े रहते हैं, कई घंटों तक ये मेडिटेशन करते हैं, और कहाँ पे खड़े रहते हैं, अपने सिर के बल पे खड़े रहते हैं। नेक्स्ट इज स्पेंडिंग द एंटायर मंथ ऑफ कुंभ, कुछ अब एक कल्पवासी करके भी सेंट्स होते हैं, वो कैसे सेंट्स होते हैं, जो कि पूरे महीने वहीं रहेंगे जहाँ कुंभ चलता रहेगा, गंगा किनारे वहीं पे नहाएंगे, रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, 3-3 बार नहाएंगे दिन में, उनको हम कल्पवासी बोलते हैं। और ये भी माना जाता है कि कुंभ में नहाने से यानी कुंभ के दौरान जब हम गंगा रिवर में नहाते हैं तो उस दौरान उससे क्या होता है कि जितने भी आपके पाप हैं वो सब धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये भी माना जाता है कि कुंभ का जब योग होता है यानी कुंभ जब आता है तो उस टाइम पे जो पानी होता है, जो गंगा का जल है, वो सुपर चार्ज होता है विद पॉजिटिव हीलिंग इफेक्ट्स, इसलिए उस टाइम पर नहाना एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये कहा जाता है कि जो पॉजिटिव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, किस किस की, सन की, मून की, जुपिटर की, उसके वजह से वो जो पानी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्जनेस आ जाती है जो कि एक बहुत ही हीलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी के लिए। नेक्स्ट कुछ फेस्टिवल्स और कल्चर देख लेते हैं। तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की सबसे जो फेमस जो फेस्टिवल है वो है कांवड़ यात्रा, तो ये हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। तो ये एक एनुअल पिलग्रिमेज है जो लॉर्ड शिवा के लिए डिवोटी हैं उनके लिए, इनको हम कांवड़ियाज बोलते हैं जो यहाँ पर आते हैं। और वे कहाँ पे जाते हैं, वे हरिद्वार जाते हैं, गोमुख जाते हैं और गंगोत्री जाते हैं उत्तराखंड के अंदर, वहाँ से गंगा का रिवर को लेने के लिए, गंगा का वाटर लेने के लिए सॉरी। अब वाटर लेने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपने घर जहाँ पे भी जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे लॉर्ड शिवा को उसको डिवोट करते हैं। और ये हर साल सावन महीना जो होता है, जुलाई अगस्त का जो टाइम पे जो सावन का महीना होता है उस टाइम पे ये फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो हर की पौड़ी, तो हर की पौड़ी किंग विक्रमादित्य ने बनाया था, इस बात के ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इस चंडी देवी टेम्पल, ये लॉर्ड गॉडेस चंडी देवी के लिए है और ये नील पर्वत पे सिचुएटेड है। मनसा देवी टेम्पल, ये मनसा देवी के लिए है और ये बिल्वा पर्वत पर सिचुएटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नील पर्वत पर चंडी देवी हैं और बिल्वा पर्वत पर मनसा देवी हैं। नेक्स्ट आता है राजा जी नेशनल पार्क, तो राजा जी नेशनल पार्क करीब 820 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में फैला हुआ है। 3 सेंचुरीज़ हुआ करती थी शिवालिक रेंज में। शिवालिक रेंज अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि शिवालिक रेंज हिमालयास की रेंज है, जो हिमालयास की 3 रेंज हैं, ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास और शिवालिक्स। तो शिवालिक रेंज में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हुआ करती थी, राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला रेंज। तो इनको तीनों को एमलगमेट करके जोड़कर राजा जी नेशनल पार्क बना दिया गया इन द ईयर 1983। इसके अंदर करीब 23 स्पीशीज़ आपको मैमल्स की मिलेंगी,
मैमल्स वो होते हैं जो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जिनके मेमोरी ग्लैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और एविफोना स्पीशीज़ यानी कि जो एवियन स्पीशीज़ यानी कि बर्ड की स्पीशीज़ हैं वो करीब करीब आपको 315 मिलेंगी। यहाँ पे आपको एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड, जंगल कैट, हिमालयन येलो थ्रॉटेड मार्टन, सांबर, चीतल, बार्किंग डियर और ऐसे करके बहुत सारे जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है पिरान कलियर। तो पिरान कलियर ये एक दरगाह है जो है हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शबीर जी की, रुड़की से कुछ किलोमीटर 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर पड़ती है। ये एक बहुत ही लिविंग एग्जांपल है यूनिटी का बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन्स, क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग भी और इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाले लोग दोनों यहाँ पे आते हैं और इस दरगाह को विज़िट करते हैं। इनकी मिस्टिकल पावर्स मानी जाती हैं कि यहाँ पे जो लाखों श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और जो भी वो हीलिंग पावर चाह रहे हैं वहाँ पे कि कुछ उनको डिजीज़ है और वो हील करवाना चाह रहे हैं उसको, इसके लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हर साल पाकिस्तान से भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स आते हैं विज़िट करने के लिए। किस टाइम पे? उर्स के टाइम पे, एक उर्स मेला लगता है यहाँ पे, उर्स फेयर होता है दरगाह पे हर साल, जो कि फर्स्ट डे को होता है ऑफ़ द साइटिंग ऑफ द मून, क्योंकि इस्लाम में जो भी चीज़ें हैं वो ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से होती है, तो इसलिए मून का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। टू द 16th डे, 16वें दिन जो होता है ऑफ़ द रबीउल मंथ, रबीउल मंथ हिजरी कैलेंडर यानी कि जो इस्लामिक कैलेंडर है उसके हिसाब से जो रबीउल मंथ है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर नवंबर का महीना, मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर का महीना करीब करीब बैठता है। तो ये जो डेट है उर्स की, ये 2020 की डेट है। अब ऐसी ही डेट 2021 की भी डिक्लेयर है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब 2021 की डेट डिक्लेयर होगी। नेक्स्ट इज़ सुरेश्वरी देवी टेम्पल। ये बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है हरिद्वार का, हरिद्वार के आउटस्कर्ट्स में है, रानीपुर एरिया पड़ता है वहाँ पे है ये, और ये राजा जी नेशनल पार्क के अंदर ही आता है। नेक्स्ट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो IIT रुड़की, तो IIT जो रुड़की में है ये पहले थॉमसन कॉलेज के नाम से आया था, सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है भारत में। जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये 1847 AD में स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो रिवोल्ट हुआ था ऑफ 1857 उससे भी 10 साल पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था रुड़की कॉलेज के नाम से, और बाद में इसको रीनेम कर दिया गया 1854 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से। फिर जब हम आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए इन द वे बैक इन 1947, उसके बाद इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया बाय एक्ट ऑफ 1948 ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी उत्तर प्रदेश को उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चार्टर पेश किया नवंबर 1949 में, और उसके स्टेटस को एलिवेट करते हुए, उठाते हुए इन्होंने इसको फर्स्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बना दिया इंडिपेंडेंट इंडिया की। देन 2001 में इस यूनिवर्सिटी को इसका स्टेटस बढ़ाकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में कन्वर्ट कर दिया गया। देन आता है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में है। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये 1902 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। इनका एम क्या था, इसको इस्टेब्लिश करने का था टू रिवाइव द एंशियंट जो गुरुकुल सिस्टम था, जो इंडियन गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन देने का, उसको रिवाइव करने के लिए इसको बनाया गया था। ये आर्य समाज से बिलोंग करते थे। तो ये इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड करने के लिए एक इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव टू लॉर्ड मकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि चार्टर एक्ट 1813 आया था, और उसके तहत ये कहा गया कि 1,00,000 रुपये का सम दिया जाएगा इंडिया में एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए अमंग द मासेस। अब डिबेट ये था कि ये जो 1,00,000 रुपये खर्च करने हैं ये किस तरह से पढ़ाई में खर्च करने हैं, मीन्स इन वॉट लैंग्वेज, इन विच लैंग्वेज द एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड एट दैट टाइम इन द वे बैक इन 1813 और 1825 के दौरान। तो ये डिबेट चल रहा था, तो जो इंडियंस थे वो कह रहे थे कि आप ये इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए यानी कि हिंदी में और उर्दू और हिंदवी और संस्कृत लैंग्वेज में, लेकिन यानी कि वर्नैकुलर्स में होना चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाहती थी कि ये इंग्लिश में हो, क्योंकि इंग्लिश में एजुकेशन इम्पार्ट करने से वो क्या करते, इंडियंस को क्लर्क बना देते, यानी कि क्लर्क लेवल तक का बना देते इतनी पढ़ाई करके, जिससे कि उनका काम ईजी हो जाता और वो मास्टर्स बन पाते और जो इंडियन पॉपुलेशन थी उनको टेम कर पाते। तो अब इस चीज़ के लिए लॉर्ड मकॉले ने कहा कि इंडिया में जो पढ़ाई होगी या जो 1,00,000 रुपये का सम जो था उसको इन्वेस्ट किया जाएगा वो इंग्लिश एजुकेशन में किया जाएगा। तो इसके विपरीत फिर इस पॉलिसीज़, जो ये लॉर्ड मकॉले की एजुकेशन पॉलिसी थी, इसके अगेंस्ट जाते हुए फिर वहाँ पे इंडिया में कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए ओरिएंटल लैंग्वेज में, यानी कि वर्नैकुलर लैंग्वेज में कॉलेजेस खोले गए। तो उस दौरान आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला DAV,
हालांकि वो डीएवी में ओरिएंटल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती थी। तो अब उसके अपोज में कि इस वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जा रही है, तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसमें प्योर जो संस्कृत लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में जो पढ़ाई होती है उसको प्रमोट किया गया। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ये डिटेल में पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी, इंडियन कल्चर, मॉडर्न साइंसेस, ये सब यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। आर्य समाज जो था वो हमेशा से विमेन एजुकेशन के लिए तत्पर रहा, काफ़ी आगे रहा। उन्होंने विमेन एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए कन्या गुरुकुल कैंपस ही बनाया देहरादून में 1922 में आचार्य रामदेव जी के द्वारा। देन स्वामी श्रद्धानंद जी के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कन्या गुरुकुल कैंपस हरिद्वार में भी खोला गया वे बैक इन 1993। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार की। तो इसका एम है टू कंजर्व एंड प्रमोट ओरिएंटल साइंस। ये यूनिवर्सिटी के तहत 44 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं और यहाँ पे जो पढ़ाई कराई जाती है और जो लोग पढ़ते हैं वो विद अ टिंच ऑफ संस्कृत लैंग्वेज के साथ पढ़ते हैं। यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर स्टडिंग कंप्यूटर्स, वी आर स्टडिंग साइंस, तो उसमें संस्कृत लैंग्वेज का योगदान रहता है और संस्कृत लैंग्वेज की हेल्प से इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रीज़ इन हरिद्वार। तो हरिद्वार में दो इंडस्ट्री मेन है, एक है सिडकुल एरिया एंड देन इज़ BHL। तो जो सिडकुल है वो है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड। ये एक उत्तराखंड गवर्नमेंट का एंटरप्राइज़ है जिसको 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था। शुरू में एक शेयर कैपिटल रखा गया 50 करोड़ रुपीज़, पेड अप कैपिटल रखा गया 28.5 करोड़ रुपीज़, और उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया था। इसको स्टार्ट इसलिए किया गया था क्योंकि जब ये नया स्टेट बना आफ्टर कार्विंग आउट फ्रॉम उत्तर प्रदेश वे बैक इन 2000, तो जो नया स्टेट बनता है उसकी एक एस्पिरेशन होती है जिससे कि वहाँ का जो लोकल यूथ है उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ, वो जॉब इजीली कर पाए जो एजुकेटेड ही होता है। तो इसलिए उसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे कि लोगों को जॉब मिल सके, वहाँ पे कंपनीज़ खुलें, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ खुलें। तो इसलिए इस सिडकुल एरिया को डेवलप किया गया था। तो लोगों को यानी कंपनीज़ को फाइनेंशियली असिस्ट किया गया इन द शेप ऑफ डेट, उधार देकर, इक्विटी शेयर्स देकर, वेंचर कैपिटल, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, और असिस्ट किया गया प्राइवेट इनिशिएटिव को इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इम्प्लीमेंट और मैनेज करने के लिए किन को, प्रोजेक्ट्स को, जिससे कि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ आ सकें, कंपनीज़ आ सकें, इंडस्ट्रीज़ आ सकें और लोगों को जॉब मिल सके। नेक्स्ट आता है BHL। तो BHL में है, मतलब BHL एक महारत्ना कंपनी है इंडियन गवर्नमेंट की, PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसके फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके हरिद्वार में दो प्लांट्स हैं, एक तो हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट प्लांट हीप एंड सेंट्रल फाउंड्री फोर्स प्लांट CFFP। इसका एक अपना पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे। जो कोर बिजनेस है अगर हम देखें HEEP का, हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट प्लांट, तो ध्यान नाम से ही पता चल रहा है कि हैवी है, यानी कि कुछ ये बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ें बनाता है जैसे कि स्टीम और गैस की टर्बाइंस बनाता है, टर्बो जनरेटर्स बनाता है, हीट एक्सचेंजर्स बनाता है, कंडेंसर्स, ऑक्सिलरीज, ये सब चीज़ें ये डेवलप करता है या मैन्युफैक्चर करता है। अभी हम यहाँ तक ही रहने देते हैं, BHL तक, इंडस्ट्रीज़ तक। नेक्स्ट टाइम पे हम डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और मोर एंड लेस ये दो वीडियोज़ में, आई थिंक सो, दो और वीडियोज़ आएंगी शायद इस पे हरिद्वार पे, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बार बार इसको देखिए, नोट्स बनाना चाहिए नोट्स बना सकते हैं, और मैं ऐसी वीडियोज़ इसके बारे में लाता रहूँगा। सो कीप वॉचिंग इट, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी जल्दी आपका उत्तराखंड का पूरा सिलेबस, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मैं कवर कर लूँ। सो थैंक यू एंड बाय बाय।